गुजरात उड़ीसा नहीं अहमदाबाद अहमदाबाद कि मैं इनका स्केच बनाऊं, तो आगे मैं स्केच बनाऊंगा, मेरे पुराने फोटोज भी दिखाऊंगा, ये वाला जो मेरा विजन बोर्ड था, मतलब जो भी सेलिब्रिटी के। जय श्री कृष्ण। हेलो, केम टू सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम। दिस इज धवल खत्री और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब ब्लॉग चैनल केडीए जर्नी ऑफ धवल खत्री। सो वंस अगेन न्यू ब्लॉग में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। और लास्ट ब्लॉग में आप लोगों से जैसे ही देखा कि हमारे कमलेश भाई के साथ काफ़ी टाइम के बाद हमने परफॉर्म किया था, तो इस ब्लॉग में हमारे ठाकुर साहब का भी एक ब्लॉग हमने बनाया था कि वो कुछ जर्नी पे निकले हैं और अभी हाल फिलहाल वापस आए हैं। बोला था एज यूजुअल उनका प्रॉमिस था, तो वापस आए हैं और अभी कुछ दिन ठहरने वाले हैं। तो आज टेबल भी आने वाला है। आप लोगों को जैसे पता है कि मैंने नया सिस्टम अपग्रेड किया था मेरा, तो उस पर मैं अलग अलग गेमिंग वगैरह सब करने वाला, एडिटिंग के लिए खास करके अपग्रेड किया था, तो उसका जो टेबल है वो आने वाला है। और अभी शायद ठाकुर साहब क्या प्लानिंग करते हैं, तो उनके साथ जाने वाले हैं बाहर कहीं हैं, अहमदाबाद में जो भी जगह है नज़दीक की, फिलहाल वही विजिट करेंगे। और बाकी का आगे का व्लॉग में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वो मुझे भी नहीं पता, बट देखते हैं कि अगर जा पाते हैं नहीं जा पाते। 2-3 दिन है अभी, कल भी जाएंगे। तो बस हमारे साथ बने रहिए, ठाकुर साहब के साथ बने रहिए। रजनीकांत हमारे सर जो है, तो वो उनके बारे में भी जानिए। तो बस मेरा व्लॉग अच्छा लगता तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आगे व्लॉग शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से कमेंट जरूर करें और साथ में लिखे जय श्री राम। घंटा क्या? हाँ, आप इस चेंज कर दो। मैं बीच में नहीं नहीं ना।
देखो जैसे ही मैंने बोला था कि टेबल आने वाला है तो बहुत मेहनत के बाद इन लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की और टेबल आ गया फाइनली। और कैमरा मैन हमारे ठाकुर सर, बहुत बढ़िया सर, क्लिक करो कैमरा, क्लिक करो कैमरा मैन दिखेंगे हमारे ऐसे। तो ये है, ये तो हमारा भी योगदान है कि जब जब टेबल देखोगे आप तो हमारा याद आएगा। ये घटना घटी से सिर्फ एक घटना नजदीक आ रही है, नजदीक आ रही है, छोटी सी घटना हुई है यहाँ पर। हाँ ये छोटी सी घटना घट गई है। बाकी सब विदाई हो रही है। अच्छा अच्छा ये दुख हो रहा है, जा रहा है। नहीं, नीचे जा रहा है। अच्छा नीचे जा रहा है, अपने वहीं है। अपने नीचे रहेगा, ये ऊपर रहेगा। अच्छा इसको भी ले जाओ सर, यहाँ नहीं आएगा, इसको हटाना पड़ेगा। सर ऐसा मत लीजिए। कैसे लगे? और फाइनली टेबल हमारे रूम के अंदर आ गए हैं। और हमारे माताश्री और पिताश्री को ऐसा है कि कोई भी चीज़ आए तो साफ़ सुथरी करके उसे रखो। तो अभी साफ सफाई अभियान चल रहा है, तो पूरी तरह से चमकाएंगे टेबल। और हमारे सर वहाँ बैठ के कुछ आध्यात्मिक प्रवचन देने वाले थोड़ी देर में, तो कृपया करके हमारे ब्लॉग में बने रहे। क्या बोलते हो सर? सर अभी उनका प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं, तो आप कृपया आशीर्वाद ले लीजिए, बाद में सर आपको थोड़ा प्रवचन देंगे। हर हर महादेव। क्या बोलते हो सर, टेबल का कैसा रहा? टेबल का बहुत बढ़िया, बहुत संघर्षपूर्ण रहा। हाँ? संघर्ष में छोटी सी चोट जरूर लगी है। हाँ वो थोड़ा जख्मी हो, वो चोट जो है धवल के हृदय में लगी है। अब क्या कर सकते हैं, अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन जो है हमारे पास उसको उसकी खुशी बनानी चाहिए। बिल्कुल। तो आज हम इस खुशी के लिए जो है जगन्नाथपुरी जाएंगे। वाह, यात्रा का, अरे रथ यात्रा निकलता है। हाँ रथ यात्रा निकलती है जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथपुरी गुजरात अहमदाबाद। तो आपको हम दिखाएंगे आज वहाँ का टूर है वाला। बिल्कुल। हर हर महादेव, हर हर भारत माता की जय। जय 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 श्री राम, जय श्री राम। और हमारे पिताश्री भी खुश है कि फाइनली टेबल आ गया है। उनको भी एक तो वो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन ये छोटी सी चोट फिर से मैं दिखाना चाहता हूँ। अरे ये पूनम पांडे कौन है? आप जानते हो सर पूनम पांडे को? कौन पूनम पांडे? अरे वही वो पूनम पांडे, इंस्टाग्राम पे बहुत, मतलब आप पता होगा सर, आप इंस्टाग्राम पे हो ना? नहीं इंस्टाग्राम पे तो पूनम पांडे, मुझे क्या पता कौन है पूनम पांडे। अरे पता होगा सर, कुछ बताओ कैसे पूनम पांडे। ये देखो अभी क्या है पूनम पांडे, अभी अभी जस्ट मैंने इंस्टाग्राम खोला है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। रेस्ट इन अ पीस। यार ये तो बड़ी शॉकिंग वाली न्यूज है, पूनम पांडे। ऐसे कुछ होता है? है जो भी हो। अरे दुख तो ठीक है, जो बड़े शॉकिंग है यार, है ना? नहीं बट यार ये अभी मैंने जस्ट देखा पूनम पांडे। अच्छा ये वो, अच्छा हवा को शुद्ध करने वाली है। अरे यार चल आज खाना मत खाना, मैं भी नहीं खाऊंगा ठीक है। आज भी मुझे भी दुख हो गया। अब इसका उर्फी जावेद की जानते हो? नहीं उसका नाम मत लो आप। क्यों जावेद? क्यों भाई? पूनम पांडे भी वही है, उर्फी जावेद। हाँ उर्फी जावेद थोड़ी सी आज के लेटेस्ट है और पूनम पांडे थोड़ी सी पुरानी थी। और आज जो डिमांडेबल है, जितनी अति हो चुकी है उसके हिसाब से उर्फी जावेद खतरनाक है। तो उर्फी जावेद और इसमें कोई अंतर नहीं है, ये लेटेस्ट है और वो थोड़ी जो ओल्ड है, तो अंतर कुछ नहीं है। अब तो अभी आज का थोड़ा सा दुख शोक व्यक्त करेंगे सोशल मीडिया पे। नहीं भाई देखो, चाहे कैसे भी रहो, आत्मा तो पुण्य, आत्मा तो आत्मा तो होती ही है ना, आत्मा तो हमेशा पुण्य होती है, तो शोक तो होना ही चाहिए। लेकिन हुआ क्या ये तो बता दीजिए। नहीं वो तो मुझे भी नहीं पता। देखो तो सही, कैंसर सर्वाइकल
सर्वाइकल कैंसर लिखा हुआ है। उम्र भी ज्यादा नहीं है इसकी तो 32 है सिर्फ। 32 तो ज्यादा हो गया तो उसकी 32 तो मुझे लग रहा है 35-36 हो गया। बहुत पुरानी डांसर है। देखो अभी ये न्यूज है, आप भी चलो भगवान के परिवार वालों को इस कष्ट से उभार है। तो फाइनली अभी ये सेटअप एकदम मस्त तैयार हो गया है, तो इसका भी मैं अलग से ब्लॉग बनाऊंगा कि मैं इस पर क्या क्या मेरे टेबल के साथ मैंने जो रिक्वायरमेंट थी वो सारी चीज़ें मैंने लगाई है एक्स्ट्रा अलग से कंप्यूटर के साथ। तो भी हाल फिलहाल इसको रहने देते हैं, और गेमिंग वगैरह का भी मैं ब्लॉग बनाऊंगा तो उसमें भी मैं इंक्लूड करूंगा। और बाद में मुझे कमेंट करके बताना कि ये वाला सेटअप आपको कैसा लगा। तो हाल फिलहाल तो अभी यहाँ पर हमारे रजनीकांत ठाकुर सर कुछ काम कर रहे हैं, तो उनसे पूछते हैं सर ये क्या हो रहा है। कुछ नहीं, अभी नेशनल टूर्नामेंट हुआ था। अच्छा, उसके मैरिट सर्टिफिकेट को डिजाइन करना है। अच्छा, टाइम से सर्टिफिकेट पहुंच जाएगा तो जो बच्चे वहां से विनर्स हुए हैं। अच्छा, वो सारे अभी 30-31 मार्च को भूटान में, भूटान इंडिया की एक नेपाल इंटरनेशनल चैंपियनशिप होने वाली है। अच्छा, और पिछले 5-6 साल में 8 साल में जो भी बच्चे नेशनल इंटरनेशनल में कई बार अचीवर हो चुके हैं उनका साउथ एशियन कप श्रीलंका में हो रहा। अच्छा, तो उसका कुछ पेपर वर्क सेट कर रहा हूँ। तो सर इसके बारे में थोड़ा डिटेल बता सकते हैं कि अपना क्या, जो आपने बोला कि इवेंट का कुछ बोल रहे थे। हाँ, अपना जो है ये डांस स्पोर्ट एसोसिएशन भारत। हाँ। और परफॉर्मिंग आर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया जिसमें पेंटिंग फाइन आर्ट की जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल की। हाँ। खुद धवल खत्री जी हमारे ब्रांड एम्बेसडर भी है, साथ साथ डांस स्पोर्ट्स में भी हमारे पहले यूपी के ब्रांड एम्बेसडर थे, अब वो पूरे इंडिया के भी ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं जी। तो उसी के माध्यम से पिछले 10 साल में हमने जो है एक ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म बना लिया है एटमोसफेयर से जुड़ा हुआ, बिल्कुल, जिसमें अब आपको मुंबई में जाने की आवश्यकता नहीं है, टीवी में करने की आवश्यकता नहीं, जो टीवी में जाना चाहते वो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल। मगर क्या है कि बहुत सारे बच्चे पढ़ते पढ़ते जो है अपना नेशनल इंटरनेशनल और इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल, और अपने आप को एक सेलिब्रिटी के रूप में बिना मुंबई बिना टीवी में दिखे भी आपको अपने सेलिब्रिटी के रूप में आपको आप खुद को स्थापित कर सकते कर सकते हैं, बिल्कुल। और एक छोटा सा सरप्राइज भी बता दीजिए कि अभी हाल आप अहमदाबाद में हो, तो आपने अभी बोला था कि गुजरात में इवेंट होने वाला है। अभी मैं पिछले 15-20 दिन से जो है पूरा गुजरात विजिट किया मैंने। और गुजरात में घूमने के बाद मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि पूरा भारत ही घूम चुका हूँ, लेकिन गुजरात में मुझे बड़े अच्छे लोग दिखाई दिए। अच्छा, बड़े सिंसियर लोग दिखाई दिए, और मतलब मुझे ये जो महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, बाकी अदर जैसे अपने दिल्ली साइड में। हाँ। लोग इरिटेट रहते हैं। नहीं नहीं सर, चलो छोड़ो, बुराई नहीं करते हैं। नहीं, बुराई नहीं, अच्छा अच्छा, यहाँ मुझे बड़े अच्छे लोग दिखाई दिए। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक भी ऐसा नेगेटिव व्यक्ति नहीं मिला जिसने मेरे को इग्नोर किया हो, मैंने किसी से एड्रेस पूछा हो तो उसने मुझे अच्छे से ना समझाया हो। अच्छा, मतलब मेरे को अच्छा लगा। बाकी मैं भी कमलेश भाई के पास भी रुका था, तो मैंने कमलेश भाई के गाँव में भी रहा, मैं वडोदरा में, पादरा गाँव में, और वडोदरा भी घुमा, तो मुझे वहाँ पे एक अच्छा वेन्यू भी दिखाई दिया और वहाँ के काफी अच्छे लोगों से मुलाकात हुई। तो हमने डिसाइड किया कि जनवरी के फर्स्ट वीक में डांस स्पोर्ट से और सिंगिंग की नेशनल चैंपियनशिप हम लोग गुजरात में ऑर्गेनाइज करेंगे। अच्छा, तो हाँ, उसमें जो है जनवरी में ही हमारा होगा पूरा। हाँ। इंडिया वहाँ से पार्टिसिपेशन करने वाला है। ओके, और बड़ा आनंद आएगा, और धवल भाई जी तो वहाँ पे हमारे मतलब इन्वॉल्व रहने ही रहना है, बिल्कुल। और साथ ही साथ हम जो पेंटिंग का हमने प्लान किया हुआ है। हाँ। पूरे इंडिया से पेंटिंग के सिलेक्ट करके टॉप 10 को हम नेशनल में जगह देंगे, बिल्कुल, और उसकी पूरा सुपरविजन हमारे धवल भाई के हाथ में है। ओके, और धवल भाई मेरे को बार बार जो है पिंच करते रहना, याद दिलाते रहना कि पेंटिंग करना है। हाँ। तो इसी के रिलेटेड कुछ भी अगर कांटेक्ट करना हो और जानना हो इंक्वायरी के लिए भी, तो हमारे रजनीकांत ठाकुर सर का कांटेक्ट, बिल्कुल, इनका इंस्टाग्राम भी पेज है, अपना परफॉर्मिंग आर्ट्स का भी पेज है, अपना डांस स्पोर्ट्स का भी पेज है, और यूट्यूब चैनल भी है। चलो तो सही है, फिर इसके लिए इंतजार रहेगा सबको। और बस यही कहना चाहूंगा कि अभी 2-3 दिन तो शायद हमारे साथ है सर, और अभी कुछ अहमदाबाद की मुलाकात भी करेंगे, तो अभी आप अपना काम कंटिन्यू कीजिए ये वाला। थैंक यू। और फिर चाय पीते है। हमारे सर चाय नहीं पीते। देखिए ये टेबल अभी नीचे आ गया है, और यही वो जगह है जहाँ से मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की थी, अपना ग्राफिक एडिटिंग जो भी काम करता था। शायद आप लोगों को मैं अलग से एक ब्लॉग दिखाऊंगा और मेरे पुराने फोटोज भी दिखाऊंगा, ये वाला जो मेरा विजन बोर्ड था, मतलब जो भी सेलिब्रिटी के साथ मिला था, मतलब जितना इसमें हो सके और भी ज्यादा है। तो ये वही रूम है जहाँ पर मैं पहले काम करता था, और फाइनली अभी पापा यहाँ उनके अलग पीसी के साथ आ गए। रूम अलग हो गया है पीसी का, और मुझे बहुत मगजमारी होती थी मेरे को काम करने में, अब मजा करेंगे और काम हो जाएगा,
और इसका काम अलग, मेरा काम अलग। तो बस इसके बारे में मैं अलग से दूसरा सब सामान लाया हूँ, ये सब। हाँ, ये बोर्ड भी देखो नया लाया है। तो मतलब पूरा इसका भी जब सेटअप कर लेंगे ना, तो अलग से मैं वीडियो भी चालू करके दिखाऊंगा, अलग से ब्लॉग बनाऊंगा। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, लेकिन उससे पहले तो जैसे मैंने बोला कि ये एक बात मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि आज जो घटना घटी है वो ऐसे तो बहुत दुखद है, लेकिन साथ में वो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं जितने भी ऐसे मौके पर, यानी कि ऐसा कुछ होता है, तो मैं अपना आर्ट है, मेरे पास जो टैलेंट है, उसके थ्रू मैं मेरा कहते हैं कि श्रद्धांजलि दे सकूं। मैं पूनम पांडे जी का स्केच बनाऊं या नहीं बनाऊं, प्लीज कमेंट करके बताएं। अगर आप लोगों के अच्छे कमेंट्स आएंगे, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, तो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा। तो बस इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और जल्दी मिलेंगे रजनीकांत ठाकुर सर के साथ नए ब्लॉग में, नए दिन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी मिलेंगे। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ एंड बी यूनिक।